हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जहाँ तक आप लोगों को जानकारी मिली है कि मैं फेसबुक पे लाइव आया हूँ आप लोगों को रेलवे से संबंधित जानकारी शेयर करने के लिए, रेलवे की तैयारी कैसे करें आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स की। जैसे रेलवे में ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स अभी होने वाली है, NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है और LP की वैकेंसी भी आने वाली है, LP टेक्नीशियंस की। तो आज हम बात करने वाले हैं, मेरा नाम, पहले मैं अपना परिचय दे दूँ आपको। मेरा नाम रवि राज है और मैंने इसी साल ALP क्वालिफाई किया, असिस्टेंट लोको पायलट का, मुजफ्फरपुर बोर्ड से। मेडिकल वगैरह सब मेरा कंप्लीट हो गया, अब इंतज़ार है पैनल लिस्ट की और ज्वाइनिंग की। आप लोगों की शुभकामनाएँ होंगी, दुआएँ होंगी, मैं ज्वाइन करूँगी। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रिपेयर कैसे करना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देनी है, कैसे फोकस करना है अपने स्टडी पे, कैसे अपने स्टडी को रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी का जो पेपर है उसका टेंटेटिव डेट सितंबर अक्टूबर 2019 दिया हुआ है, सितंबर अक्टूबर 2019 CBT का जो पेपर होने वाला है। टोटल जो वैकेंसी है इसमें 56,504 वैकेंसी है ग्रुप डी में। और इस बार तो ग्रुप डी के लिए 10th, सिर्फ 10th क्वालिफिकेशन ही एलिजिबिलिटी के लिए दे दिया गया था, लेकिन अगले आने वाले ग्रुप डी या कोई भी वैकेंसी रेलवे की मिनिमम क्वालिफिकेशंस 10th प्लस ITI कर दिया गया है, ITI अप्रेंटिस या डिप्लोमा वगैरह जो भी होता है उसका। लेकिन सिंपल 10th पे आप ग्रुप डी का पेपर अगले बार से नहीं दे सकते हैं इस वैकेंसी के अलावा। तो ये आपके लिए जो सिर्फ 10th पास है उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने स्टडी को रिजल्ट में कन्वर्ट करें इस बार, क्योंकि अगली बार से अगर आप सिर्फ 10th हैं तो शायद आपको रेलवे में ग्रुप डी के लिए मौका ना मिले। इसीलिए आपको बिल्कुल अपने मेहनत को उस लेवल तक जाना है, लेकर के जाना है, आपको सिलेक्शन मिले, ठीक है। और एक बात और शेयर करना चाहूँगा आपसे, बताना चाहूँगा कि हम बात करते हैं बोर्ड सिलेक्शन को लेकर के, कि बोर्ड सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। तो बोर्ड सिलेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा मायने नहीं रखता है रेलवे में। क्यों? क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ होती है किसी भी बोर्ड का आप देख लीजिए, 2-3 नंबर, 1 नंबर या 0.5 नंबर ही ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं होती फाइनल कटअप में, जो सिलेक्शन का फाइनल कटअप आता है उसमें। तो इसीलिए बोर्ड सिलेक्शन को लेकर के हतोत्साहित ना हो और कभी भी ये ना सोचें कि इस बोर्ड से ज़्यादा लड़के हैं, उस बोर्ड से कम लड़के हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो फाइनल कटअप होता है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है किसी भी बोर्ड में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, CBT सिलेबस के बारे में ग्रुप डी की। तो यहाँ से जनरल साइंस के क्वेश्चंस 25 आएंगे। जनरल साइंस की बात कर रहे हैं हम, जनरल अवेयरनेस की बात नहीं कर रहे हैं। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जनरल साइंस के जो 25 क्वेश्चन होंगे इसके लिए आपको कहाँ से तैयारी करनी है, जो रिसेंट की बुक आती है उसको आप ले सकते हैं। और रिसेंट की बुक से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों चीज आप पढ़ जाइए पूरी तरह से। अगर आपके पास समय कम है तो बायो, बायो पे मेन फोकस करना है आपको। बायो में मैं रिसेंट की जो टॉपिक है उसको हम बता देते हैं, जीव विज्ञान की
जीवधारियों का वर्गीकरण, एक तो ये, दूसरा कोशिका विज्ञान, उसके बाद चौथा नंबर अनुवांशिकी, उसके बाद पांचवा नंबर वनस्पति विज्ञान, उसके बाद आठवां नंबर प्राणी विज्ञान, नौवां मानव शरीर के तंत्र, बारहवां मानव रोग, और 14 विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। इसको आप जरूर पूरा कर लेंगे क्योंकि मेन क्वेश्चंस जीव विज्ञान में यहीं से आते हैं, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, ग्रुप डी में पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आपको सिर्फ फॉर्मूला से याद रहेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे बन जाएंगे वो, और इजी क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा लुसेंट के अलावा आपको प्रीवियस ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर के बिना काम नहीं चलने वाला है। लुसेंट पढ़िए, प्रीवियस ईयर लगाइए। करेंट अफेयर्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक करेंट अवेयरनेस एंड करेंट जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स 20 मार्क्स का आएगा। तो जनरल अवेयरनेस पे अगर आपका ध्यान कम है, मानते हैं कि आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी अगर उस लेवल का नहीं है तो आप इस पर थोड़ा कम ध्यान भी दे सकते हैं क्योंकि जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हालांकि 10 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही और उसमें भी बच जाएंगे, कुछ हिस्ट्री से रहेंगे, कुछ पॉलिटी से रहेंगे, कुछ ज्योग्राफी से रह सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, करेंट अफेयर्स बहुत ही बड़ा रोल इसमें प्ले करेगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं बेस्ट बुक बताऊं अगर मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, तो स्पीडी पब्लिकेशंस की जो करंट अफेयर्स आती है मार्केट में, ये हालांकि आप सब जानते होंगे इसके बारे में, जो वार्षिक अंक आता है आपको इसे पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको हम बता देते हैं, पिछले 6 महीने का, पिछले 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जनवरी से लेकर के आप पढ़ लीजिए, वन लाइनर इसमें दिया हुआ है, लास्ट में आप देखिएगा इसमें, हालांकि ये तो मेरा थोड़ा सा पुराना है, इसमें आप अपने पेज नंबर के हिसाब से देख लीजिएगा, स्पीडी पब्लिकेशंस में वन लाइनर पिछले 6 महीने का, जनवरी से लेकर के अब तक का, कंटिन्यू तक का, जब पेपर होने वाला है तब तक का आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, ठीक है, वन लाइनर। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, उसके अलावा आपको पढ़ना है प्रमुख फिल्में, कलाकार, प्रमुख फिल्मों में सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं और विभिन्न तरह के अवार्ड्स जो दिए जाते हैं अभिनेताओं को, उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास 2017-18 वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी 18-19, अब तो 18-19 आ गया, संयुक्त सैन्य अभ्यास पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट 2018-19 का। उसके बाद पढ़ना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद पढ़ना है नोबेल पुरस्कार, फिर पढ़ना है नवीनतम पुस्तकें एवं उसके लेखक, उसके बाद वन लाइनर तो हमने बता दिया, और लास्ट में होता है वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, क्वेश्चंस के साथ 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको उसे फॉलो करना है। और हालांकि नया गवर्नमेंट बना है इंडिया में, भारत में, तो कौन सी मिनिस्ट्री किसको एलोकेट की गई है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे तो सही रहेगा, हो सकता है इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, जैसे कि विदेश मंत्रालय हो गया, किसको दिया गया, विदेश मंत्रालय का प्रभार किसको दिया गया है, गृह मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है, वित्त मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है, रेल मंत्रालय का प्रभार किसे गया है, HRD मिनिस्ट्री किसको दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो ये जो मेन है आप इसको ज़रा देख लेंगे। ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं और इसको सीरियसली लेकर के कीजिएगा, स्पीडी फॉलो कीजिए, स्पीडी के अलावा कहीं और से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतना श्योर है, मैं गारंटी देता हूँ करेंट अफेयर्स स्पीडी के बाहर से एक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये श्योर है 100%। उसको आप 4-5 बार पढ़ जाइए करेंट अफेयर्स। ये हो गया ग्रुप डी के लिए। अब हम बात करते हैं NTPC के लिए। NTPC का NTPC में टोटल जो वैकेंसी है 10+2 पे 10,628 है और ग्रेजुएट लेवल पे 24,649 है, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए
35,377 है और इस बार इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं कही जा सकती एनटीपीसी के एस्पिरेंट्स के लिए। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इसका सिलेबस का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का है। इसमें जनरल अवेयरनेस काफ़ी अहम रोल अदा करेगा, ठीक है। और जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, आई होप आप सबके पास नोटिफिकेशन होंगे, वहाँ से देख लेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें। बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस के लिए आई विल ट्राई टू अपलोड माई ऑन नोट्स जो मैंने के डी कैंपस से पढ़े थे। बहुत ही सुंदर नोट्स हैं और हमने जितने भी पेपर्स दिए हैं, रेलवे का हो या SSC का हो, एक दो क्वेश्चंस को तो हम नहीं कह सकते हैं, बट 90% क्वेश्चंस हमारे नोट्स से आए हैं। तो आई विल ट्राई टू अपलोड माई नोट्स, PDF बना करके मैं डालने की कोशिश करूँगा उसको, और हो सके तो उस पर हम क्लास भी लेने की कोशिश करेंगे। अजय आर्या सर से हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग में, अगर हमारा कुछ ये बन पाता है तो हो सकता है कि हम पॉलिटी पे और पॉलिटी और हिस्ट्री का क्लास हम लेने की कोशिश करेंगे। नोट्स पहले अपलोड कर देंगे उसका PDF बना करके, उसके बाद हम कोशिश करेंगे जो नोट्स है उसको हम कवर करें NTPC के लिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ से आएंगे, 90% क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, बाकी 10% का हम कुछ कह नहीं सकते। तो जनरल अवेयरनेस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैथमेटिक्स 30 नंबर का है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स का है। टोटल क्वेश्चन 100 है और इसके लिए 90 मिनट्स का समय मिलेगा। इसमें आपको 80+, आपको कम से कम 80+ कोशिश करना है कि हम ले करके आए NTPC में सिलेक्शंस के लिए। NTPC में ये जो मार्क्स बता रहा हूँ, नॉर्मल लाइसेंस का मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, विदाउट नॉर्मल लाइसेंस बता रहा हूँ। बिना नॉर्मल लाइसेंस के आपको 80 मार्क्स अटेंड करने हैं। दूसरा इसका CBT 2 में भी उसी तरह से जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 50 नंबर का CBT 2 में आएगा जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स 35 नंबर का आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स का आएगा। CBT 2 में टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे 90 मिनट्स के लिए। CBT 1 में टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 90 मिनट्स के लिए। CBT 2 में टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे 90 मिनट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा लेवल है वो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर के लिए है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स TA स्कोर 42 अपटेन करना पड़ता है। अब इस TA स्कोर 42 को कुछ बच्चे ये समझते हैं कि हमें 42% मार्क्स लाना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 42 मार्क्स नहीं लाना होता है। TA स्कोर 42 आपको लाने के लिए लगभग 60% क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, आप मान करके चलिए। ऐसा भी नहीं कि 70% 75%। मेरा जनरल अगर एक्सपीरियंस पूछिएगा तो मैंने भी इस बार साइको दिया था, तो 60% 65% मैंने अटेंड किए थे। किसी पार्ट में 5 पार्ट होता था, इसमें 5 पार्ट होता है इसमें, तो उसमें मेरे 42 से ज़्यादा 50+ ही रहा है मेरा TA स्कोर। तो आपको एम लगा कर चलना है कि मिनिमम 60% क्वेश्चन हम सही करके हैं एक्यूरेसी के साथ, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइकोलॉजी के टेस्ट में, तो आपका TA स्कोर 42 बनेगा। उसके बाद कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसके लिए टाइपिंग टेस्ट भी है। चौथे लेवल में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, सीनियर टाइम कीपर के लिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, अकाउंट क्लर्क्स कम टाइपिस्ट के लिए एंड जूनियर टाइम कीपर के लिए टाइपिंग टेस्ट भी है, ठीक है। आदित्य कुमार जी का कमेंट आ रहा है, सर GS में किस पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे? देखिए GS के लिए पॉलिटी और हिस्ट्री में आप मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और पॉलिटी में स्टार्टिंग से जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ है, तो और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और इमरजेंसी, ये जो 4 पार्ट हैं, इस 4 पार्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पॉलिटी में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बाकी हिस्ट्री में आप मॉडर्न इंडिया पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके रिगार्डिंग मैं कोशिश करूँगा एक क्लास लेने का, मैं अपना नोट्स अपलोड करके उसके लेवल पे उसके बेस पर मैं क्लास लेने की कोशिश करूँगा। बात करूँगा मैं जय आर्या सर से, और कुछ होता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको मेंटेन करने का, ठीक है। अब उसके बाद NTPC में
टाइपिंग का जो क्राइटेरिया है वो 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश है एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी है। आप लोग जब फॉर्म भरे होंगे तो उसमें आपने दिया होगा कि हम टाइपिंग इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं, उसी के अनुसार आप देंगे। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो 30 वर्ड्स पर मिनट है, वो एक क्वालिफाइंग है, इसके जो टाइपिंग के मार्क्स हैं वो मेरिट में ऐड नहीं होंगे। लेकिन साइको के मार्क्स, जिस पोस्ट के लिए साइकोलॉजी ज़रूरी है, साइकोलॉजी के मार्क्स ऐड होते हैं मेरिट लिस्ट में, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा, रेलवे के अलावा, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक बात और बता दूं आपको, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। क्योंकि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स तो यहाँ से सही हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी सही हो जाएगा। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल के लिए फिजिकल फिटनेस आप नोटिफिकेशन आएगा तो देखिएगा, उसके लिए अगर एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। बता देता हूँ उसका सिलेबस क्या है, कैसे उसका प्रिपरेशन करना है, वो भी थोड़ा बता देता हूँ। उसमें रीजनिंग 25 मार्क्स के आएंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बता रहा हूँ, रीजनिंग 25 मार्क्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन। मैथ सिर्फ 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। ये 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक से रहेंगे, इसलिए अर्थमेटिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि आप रेलवे के लिए तो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका मैथ इसी से मजबूत हो जाएगा। फिर से 15 क्वेश्चन कर वाले इसमें, जीके जनरल नॉलेज विथ करेंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सिलेक्शन के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है, आपके पास आई होप सबके पास लूसेंट होती है, लूसेंट में सबसे लास्ट में दिया रहता है कंप्यूटर, आप उसको पढ़ लीजिए, वो सफिशियंट है, सफिशियंट का सफिशियंट से ज़्यादा भी है, समझे। तो कंप्यूटर के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, कंप्यूटर का सिलेबस भी बेसिक कंप्यूटर है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, इंटरनेट एंड वेब ब्राउजिंग है, बस इतना ही है, 10 क्वेश्चन रहेंगे। मेन है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इसके लिए भी आप मॉडर्न इंडिया पढ़िए, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, कॉन्स्टिट्यूशंस का जो डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत में और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में वो पढ़िए, कमिटी पढ़िए, फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, इमरजेंसी पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, फिक्स है। ज्योग्राफी पे ध्यान दें। बाकी मैं जनरल अवेयरनेस के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल क्लास लेने की कोशिश करूँगा, मैं बात करूँगा इसके रिगार्डिंग में अजय आर्या सर से। मैं पहले अपने नोट्स का पीडीएफ बना करके डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा, देन आफ्टर क्लास लेने की कोशिश। स्टैंडर्ड तो आप नोटिफिकेशन आएंगे दिल्ली पुलिस के, तब उसमें देख लेंगे, ठीक। अब बात है कि हम क्या किस तरह से हम तैयारी करें। देखिए एनटीपीसी का तो पेपर जून जुलाई का ही है, शुरू होने वाले हैं जुलाई में इसका पेपर, मिशन परसेंटेज लोगों से। अगर आपके पास समय है, जहाँ पर आप रहते हैं, समय तो होंगे जहाँ पर आप रहते हैं, अगर वहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा है तो आप कोशिश कीजिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। तो कम से कम लाइब्रेरी 18 घंटे का ज्वाइन कीजिए। होता क्या है कि जब हम लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं 6 घंटे का, 7 घंटे का, तो जितने घंटे का भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं उसमें 2-3 घंटे कम ही पढ़ाई हो पाती है। अगर 6 घंटे का आप पढ़ कर रहे हैं तो लाइब्रेरी में आप मुश्किल से 3-4 घंटे ही पढ़ पाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए 18 आवर्स का लाइब्रेरी ज्वाइन करें, ताकि आप 12-15 घंटे लाइब्रेरी में बिता सकें, उतना घंटे आप पढ़ सकें। ये आपको करना पड़ेगा अप टू द एनटीपीसी एग्जाम्स, एनटीपीसी के एग्जाम्स तक आप कम से कम 10-12 घंटे, 15 घंटे आप कोशिश कीजिए। और टेस्ट बनाइए डेली, प्लेटफॉर्म का भी टेस्ट आता है, प्रीवियस ईयर आता है, प्रीवियस ईयर पढ़िए, लुसेंट का साइंस पढ़िए, टेस्ट मारिए डेली, एक टेस्ट कम से कम मारिए। ऑनलाइन टेस्ट अगर अगर आपके पास अवेलेबल है, मोबाइल से या कंप्यूटर से, लैपटॉप है आपके पास, अगर आप मार सकते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट निकालिए, टेस्ट बुक वगैरह से लेकर के या वाईफाई से लेकर के वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन टेस्ट, वहाँ से मारें। लेकिन टेस्ट आप ज़रूर निकालें, एक टेस्ट डेली मारें। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और उसको कवर करने की कोशिश करें, हो जाएगा। लेकिन टेस्ट आप, टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक टेस्ट डेली आपको लगाना ही लगाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप एनटीपीसी की तैयारी करेंगे, इसी तैयारी से आपका रेलवे ग्रुप डी का तैयारी हो जाएगा, और उसी तैयारी से आपका दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का तैयारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में भी इंग्लिश नहीं है, और
रेलवे में भी इंग्लिश नहीं है, कुछ कुछ सिलेबस काफ़ी हद तक इसके मैच करते हैं। जीके पे, जनरल अवेयरनेस पे, करंट अफेयर्स पे आप ज़्यादा फोकस करें। और बाकी कोई अगर डाउट होता है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9430477268। मोबाइल नंबर फिर से बोल देते हैं 9430477268। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए, किसी भी सजेशंस के लिए। आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट टू कोऑपरेटिव। बाकी आप तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशंस। और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। अपने मोटिवेशंस को बिल्कुल हाई रखिए। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक पीछे हटना नहीं है। कोशिश कीजिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेने का। अगर लाइब्रेरी की